विधानसभा चुनाव में सांसद सुधीर गुप्ता जी लगातार सक्रिय हैं, वे लगातार नीमच जिले की हर विधानसभा सीट पर जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही नामांकन भी दाखिल करा रहे हैं। हमारे बीच है सुधीर जी, आप लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या एक बार फिर भाजपा सरकार आ रही है? नहीं, आज मैंने सुवासरा से प्रारंभ किया था। कल रात उज्जैन से हम 2 बजे सुवासरा पहुंचे थे रात में। सवेरे हरदीप भाई डंग के साथ जितने कार्यकर्ता उत्साहित होकर सीतामू में एकत्रित हो रहे थे, उनके साथ मिलना हुआ, जगदीश देवड़ा जी के साथ और माधव मारू जी के, और आज हमारे ओम सकलेचा जी ने फॉर्म भरा है। अभूतपूर्व उत्साह है, आपने अपने कैमरों में उसको कैद किया है। ये उत्साह जनता के मन के अंदर के भाव प्रकट करता है कि विकास के लिए समर्पित भाजपा सरकारें दिल्ली और भोपाल की, जिन्होंने घर घर तक अपनी पहुंच पहुंचाई है, बनाई है, गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक पहुंची और लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति अभूतपूर्व प्यार है। और ये प्यार वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जनता का ये प्यार, लाड़, दुलार इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जो कहा वो किया, उसके प्रति हम बहुत ही समर्पित हैं और संकल्पित हैं। देखा गया वैसा कि नीमच में तो खैर माहौल शांत हो गया, उस तरह की बगावत या विरोध नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मनासा में 2-2 पूर्व विधायक मारू जी के खिलाफ हैं, किस तरह से उनको मनाने का प्रयास चल रहा है? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ लोगों के संज्ञान में है बातें, और कोई भी बात रहती है तो निश्चित रूप से हम इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि हमारी पार्टी पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और इसीलिए सबकी सुनवाई होती है, सबको कहने का अधिकार है, मगर निर्णय के अधिकार भी, जो कहता है उसे सबको निर्णय के अधिकार जो रहते हैं उन अधिकारों को भी मान्यता देना है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा ट्रेनिंग है वो बहुत स्पष्ट है कि कार्य के प्रति समर्पित रहो, विषयों के प्रति संकल्पित रहो और पार्टी के प्रति बहुत ईमानदारी से खड़े रहो। हम खड़े हैं दृढ़ता से। मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर योजनाओं का क्या इन चुनावों में फ़ायदा मिलेगा, या जिस तरह का सर्वे बता रहा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, सारी चीज़ें मैं अपने 8 सीटों के प्रति समर्पित हूँ। पिछली बार भी बहुत सारी बातें इन सीटों के प्रति आई थी, मैंने स्पष्ट रूप से चिन्हित किया था, क्योंकि जनता से जुड़ाव होने के कारण मुझे जनता के भाव और उनकी आंखों में नज़र आ रहा था कि वो भाजपा के लिए, भाजपा के किए कामों के लिए अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, और 8 सीटें भाजपा के पास थी। आज मैं अभी फिर नीमच की धरा पर कह रहा हूँ, 8 की 8 बीजेपी के साथ है। प्रदेश में क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं हुआ और मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, ऐसे में प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनेगी तो क्या शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे या अन्य और भी दावेदार सामने? नहीं, कितना सुंदर दृश्य है कि पार्टी के ने नेतृत्व ने इतने लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सब जानते हैं कि शिवराज जी ने जो प्रतिष्ठा पार्टी को दिलाई है वो अभूतपूर्व है, और इसीलिए उससे प्रेरणा लेकर आज कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। कौन बनेगा ये निर्णय तो पार्टी की अखिल भारतीय समिति ही फैसला करती है, और इसलिए जो फैसला होता है वो जनता भी मान्य करती है, कार्यकर्ता भी मान्य करते हैं, और फैसला इसी बात पर होगा कि आगे आने वाले सालों में भारत को विकसित बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है। पुराने नेताओं से प्रेरणा लेकर, उनके अनुभवों का लाभ लेकर, हम तो यही जानते हैं साहब, मध्य प्रदेश हमारे लिए शिवराज जी हैं। आज पार्टी क्या करती है ये निर्णय पार्टी करती है। क्या आपके भी चुनाव लड़ने की संभावना लग रही थी, नाम चल रहा था कि गरोड़ से लड़ेंगे, मनासा से लड़ेंगे, नीमच से लड़ेंगे, क्या आपसे भी पूछा गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, या आपने मंगना कर दिया, या आपने मन बनाया था? नहीं, मेरे से जब भी बात हुई तो मैंने कहा कि चुनाव तो लड़ना और एक साथ 8 सीटों पर लड़ना है, है ना, तो मैं 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। 8 भाई हमारे वरिष्ठ भी हैं इसमें, वो चुनावी मैदान में, और मुझे बिल्कुल अंदर से ये लग रहा है कि मैं 8 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। तो आप थे सांसद सुधीर गुप्ता, जो कि लगातार सक्रिय हैं और यहाँ नामांकन भराने के लिए विशेष तौर पर नीमच आए और नीमच टुडे से खास चर्चा की। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ राकेश।